महाराष्ट्र में एक लेक है जिसका नाम है लोनार लेक, और ये महाराष्ट्र में इस लोकेशन में मौजूद है जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। बहुत सारे स्पेस साइंटिस्ट्स जो हैं वो भी इसको देख के चौंक गए हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड का इकलौता एक बड़ा सा लेक है जो कि इतना बड़ा है साइज में और एक मीटियोर गिरने के चलते फॉर्म हुआ है। ये 52,000 ईयर से भी ज्यादा ओल्ड है। कई टन का मेटियोर महाराष्ट्र के इस जगह पे गिरा था, तब जाके ये लेक बना था। 52,000 साल पहले बनने के बाद भी आज भी ये लेक मौजूद है, और इसका वाटर जो है वो समय समय में पिंक कलर का हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में इस लेक को पंचप्सर नाम से बोला गया है, और कालिदास ने भी अपने फेमस टेक्स्ट रघुवंश में इस लेक का जिक्र किया है। इस लेक के सामने जाने से और एक अजीब सी चीज ये पता चली है कि कॉम्पास भी कभी कभी काम नहीं करता है इस लेक में। मतलब पूरे इंडिया के सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक, अगर आप कोई बोलना चाहो तो ये उनमें से एक होगा। साइंटिस्ट्स ने इस लेक को एनालाइज किया तो एक यूनिक टाइप का बैक्टीरिया पाया गया जिसका नाम है हालोआर्किया बैक्टीरिया, और इसी के चलते इसका वाटर कलर पिंक है। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि ये एक बात कही जाती है कि जो साइकिलिस्ट है, जो साइकिल चलाते हैं, वो लोग इकोनॉमी के लिए बहुत खराब है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? एक साइकिलिस्ट इकोनॉमी के लिए इसलिए खराब है क्योंकि जो लोग साइकिल यूज करते हैं वो कभी भी डीजल पेट्रोल बाई नहीं करेंगे, तो बाई नहीं करेंगे तो उसका डिमांड नहीं आएगा और इससे इकोनॉमी थोड़ी सी गिरेगी। और एक बात, जो लोग साइकिल चलाएंगे उनका जो हार्ट है और बाकी बॉडी के जितने भी पार्ट से उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, बीमारियां कम रहेगी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी कम रहेंगे, और इससे क्या होगा, लोग हेल्दी होंगे। तो फिर क्या होगा कि ना मेडिसिन बिकेगी, ना डॉक्टर लोग के पास कोई जाएगा, तो वहां भी पैसे का फ्लो बंद हो जाएगा। इससे साइकिल से और एक चीज ये होगी कि पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगी। पॉल्यूशन कम होगी तो लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ जाएगी शुद्ध हवा के चलते, तो इससे भी हेल्थ केयर एक्सपेंस जो है वो लोग कम करेंगे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, लेकिन इकोनॉमी के लैंग्वेज में ये बात फैली हुई है कि साइकिल इज डेंजरस फॉर इकोनॉमी, कहा जाता है ऐसा, सो कॉल्ड। फैक्ट नंबर 14, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता ही होगा। ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो भी बनाती है सब ऑफिशियल चीजों को देख के बनाती है। मतलब कोई चीज अगर कंफर्म हो रही है एक्चुअली में, तभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस चीज का नाम जाता है। इस कंपनी ने क्या किया है पता है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने मंडे को ऑफिशियली वर्स्ट डे ऑफ द वीक, हफ्ते का सबसे खराब दिन डिक्लेयर कर दिया है मंडे को। जी हाँ, उनका आप ऑफिशियल ट्वीट अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, वर्स्ट डे ऑफ द वीक। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि सैटरडे और संडे के राहत के बाद मंडे को जो प्रेशर आता है वो सब कोई का मूड खराब कर देता है। और ये भी बात बहुत जोरों शोरों से चल रही है, लोग साइन कर रहे हैं इस पे कि फ्राइडे को बेस्ट डे ऑफ द वीक घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को मन में ये बात रहती है ना कि हाँ अब तो सैटरडे संडे आने वाला है, तो उस दिन बहुत रिलैक्समेंट पहुंचता है फ्यूचर के बारे में सोच के कि अब नेक्स्ट दो दिन आराम है। फैक्ट नंबर 13, आपको पता है वोट आप जब करने जाते हो तो एक एक वोट का कितना कीमत होता है वो आपको पता होना चाहिए। इससे बहुत लोग कहेंगे ना कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा, जो चाहेंगे वही होगा ना, तो एक वोट मैं करूं ना करूं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि एक वोट के चलते ही एक पार्टी या फिर कोई कैंडिडेट जीत गया है। जैसे कि 2004 के कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में एक कैंडिडेट ने जस्ट एक वोट से जीता था। राजस्थान के कांग्रेस चीफ सीपी जोशी ने 2008 के असेंबली इलेक्शन में जस्ट एक वोट से हारा था। एक वोट अगर कोई दे देता तो वो जीत जाते। मतलब आपके या फिर किसी के भी एक क्लिक का भी पूरे के पूरे रिजल्ट को बदलने का पावर है, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी और पॉसिबली भी, क्योंकि पॉसिबिलिटीज हैं। फैक्ट नंबर 12, जियो और एयरटेल यही दोनों कंपनीज है अभी के टाइम पे जो कि 5G को बहुत तेजी से फैला रही है। मतलब यही दोनों कंपनीज है जो कि 5G को ऑफिशियली इंडिया में लार्ज स्केल में पहुंचा रही है। तो बहुत कोई का क्वेश्चन है कि मेरे एरिया में तो 5G नहीं पकड़ता है, 5G का टावर आता ही नहीं है, 5G कब आएगा मेरे में? तो जियो का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो ये कहता है कि दिसंबर 2023 तक हर एक गांव, हर एक तहसील, हर एक एरिया इंडिया का
5G वो पहुंचा देगी, टावर जो है उसको अपग्रेड कर देगी। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है और आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो, एवरी टाउन, एवरी तौलका, एवरी तहसील ऑफ आवर कंट्री। फैक्ट नंबर 11, क्या आपने चीटोस खाया है, डोरिटोस खाया है, अंकल चिप्स खाया है, लेज खाया है? चारों अलग अलग है ना? नहीं, चारों सेम कंपनी है मेरे दोस्त, मेरे भाई। ये मतलब कंपनीज बहुत अजीब काम करती है कि मतलब आप, आपके नजर में तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स है, ठीक है, आपको लगता है अलग अलग सोर्सेस से आती होगी, बट ये सारा पैसा एक ही कंपनी के जेब में जाता है। फ्रीटो ले, ये जो है फ्रीटो ले कंपनी के अंडर डोरिटोज, चीटोज, अंकल चिप्स, लेज सब आता है। और इससे भी अमेजिंग बात सुनोगे, फ्रीटो ले को पेप्सी ओन करता है। पेप्सी जो कंपनी है ना, वो फ्रीटो लेज को ओन करता है और उसके अंदर इतने सारे आते हैं, मतलब मालिक कौन हुआ, पेप्सी। और पेप्सी का अच्छा खासा कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ड्रिंक्स के बदले इन स्नैक्स से आता है। फैक्ट नंबर 10, अश्नीर ग्रोवर जो है, जिनके शार्क टैंक के क्लिप्स के बारे में हर कोई बात करता है, उनके बारे में आप एक फैक्ट जानते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट में 2.25 करोड़ रुपए कमाए थे, सिर्फ 8 मिनट में। वो कैसे? इन्होंने जोमैटो का शेयर लिया था और जैसे जोमैटो का शेयर इनको मिला, अब क्या है कि वो जोमैटो का शेयर मेन मार्केट में आने वाला था। जोमैटो के आईपीओ के बारे में बहुत लोग बात कर रहे थे कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसका शेयर अच्छा खासा बढ़ेगा, ले लो, जब इशू हो रहा है तभी ले लो। तो यही हाइप को देखते हुए ये लिए थे 3 करोड़ का शेयर 76 में, और जब 2 करोड़ 25 लाख ज्यादा हो गया उसका प्राइस, जैसे हुआ वैसे बेच दिए। एंड अभी आप अगर जोमैटो के शेयर के प्राइस को देखोगे तो वो बहुत नीचे गिर चुका है, ऐसा माना जाता है कि वो अभी भी ओवर वैल्यूड है। तो मौके पे चौका मार के या फिर मौके पे छक्का मार के 8 मिनट में 2.5 करोड़ भी कमा सकते हैं, बट इसमें रिस्क भी उतना ही था। हो सकता था कि इनका 2.5 करोड़ अगर कुछ गलत होता तो चल भी जाता, अब लक था तो मिल गया। तो इसलिए इस कहानी को ऐसा नहीं मानना चाहिए सोर्स की तरह कि हाँ ये कर लिए तो मैं भी अब शेयर खरीदूंगा, बेचूंगा, मौका का फायदा उठाऊंगा। ऐसा जो करता है उसका ज्यादातर लॉस ही होता है, जो वेल्थ होता है वो भी चला जाता है। बट हाँ, ऐसी लकी चीजों को सुन के अमेजिंग वाला फीलिंग जरूर आता है कि 8 मिनट में 2.5 करोड़, 5 पुस्ते नहीं कमा पाएगी क्योंकि फैमिली के 2.5 करोड़, और ये 8 मिनट में करके दिखा दिए, मतलब करके नहीं दिखा दिए, हो गया लक से। और इनका एक चीज है कि ये बहादुरी लिए, रिस्क लिए, तभी ये हुआ। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि स्टीव जॉब्स जो हैं वो बिलियनेयर यानी अरबपति बने हैं एप्पल के चलते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पिक्सार जो कि एनिमेशन कंपनी है, उसके शेयर को इन्होंने सही टाइम पे खरीदा था और इसके चलते ही ये बिलियनेयर बने थे। जब पिक्सर जो है वो डिज्नी को बेचा गया तब अचानक से इसका प्राइस बढ़ गया एंड उसी के चलते मेन ये अरबपति बने थे, क्योंकि ये एप्पल के शेयर्स को बेच चुके थे। अगर ये एप्पल के शेयर को नहीं बेचते तब उनका जो नेटवर्थ है वो और ज्यादा होता। आप फोर्ब्स के इस स्निपेट पे इस जानकारी को देख सकते हो कि इफ ही हैड नॉट सोल्ड एनी ऑफ हिज एप्पल शेयर्स बैक इन 1985 तब उनका जो है नेटवर्क ज्यादा होता। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि ये जो वर्ड है एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार और नॉट का मतलब होता है सेलर, यानी उसके बीच से, यानी स्टारों के बीच से अपना नाव को सेल कर रहा है एक सेलर, और ऐसे ही मिलके बनता है एस्ट्रोनॉट, स्टार सेलर। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी संक कॉस्ट फैलेसी के बारे में सुना है? संक कॉस्ट फैलेसी एक मार्केटिंग ट्रिक होती है जिसमें कि आपका जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड टाइम और पैसा है उसके चलते आप उस काम को खत्म कर डालते हो। मतलब जैसे कि अगर आप कोई नेटफ्लिक्स में मान लो सीरीज देख रहे हो, ठीक है, आपने 12 एपिसोड में से 8 एपिसोड्स को देख लिया और आपका कोई हाई स्पीड डेटा वगैरह खत्म हो गया और आपके पास टाइम भी कम बचा है, लेकिन पसंद आए या नहीं आए फिर भी आप उसको खत्म करोगे भले एक्स्ट्रा पैसा लग जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसमें बहुत सारा टाइम और पैसा लगा चुका है, तो खत्म ही क्यों ना कर डालते हैं। या फिर कहीं आप मॉल में जा रहे हो, दूर मॉल में, आपको पता है मॉल में आने में इतना खर्चा हुआ है, जो ऊपर से सामने वाले मॉल में नहीं, आप कोई स्पेशल मॉल में गए हो अपना टाइम और खर्चा करके, तो इतना करने के बाद जब मॉल में जाओगे तो आपको उतना कुछ पसंद नहीं भी आएगा, फिर भी आप चीजों को ले लोगे, कुछ ना कुछ खर्चा कर ही डालोगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका पास्ट में टाइम, पैसा, ये दोनों यूज हो चुका है, तो क्यों ना कंप्लीट ही कर डालते हैं, क्यों ना शॉपिंग कर ही डालते हैं,
आने का कुछ तो फायदा हो जाए। इसी ट्रिक को कहा जाता है संक कॉस्ट फैलेसी। एंड बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे मॉल, बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन इसी चीज का यूज करती है आपसे पैसा खींचने के लिए। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि जितने भी अमीर कंपनीज है ना, गुची, अरमानी, ये सब, मतलब जो स्टेटस सिंबल लग्जरी के लिए जानी जाती है, एक गुची के बैग का कीमत अगर 60,000 रुपए है लग्जरी में, तो उसका जो ऑनेस्ट रिटेल प्राइस है ना अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेस, उसका एक्चुअल में प्राइस होना चाहिए करीब 15,000 से 16,000 अगर क्वालिटी, फैब्रिक की सब की भी बात ले ले तो। लेकिन क्योंकि ब्रांड वैल्यू एसोसिएटेड है उसमें, इसलिए उसकी कीमत 60,000, 70,000, 80,000 तक चली जाती है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी जानना इन चीजों के बारे में, तो सुनो, इन सब चीजों का एक्चुअल कंज्यूमर अमीर लोग नहीं होते हैं। गुची, अरमानी, ये सब चीजों का, आईफोन का एक्चुअल कंज्यूमर ना मिडिल क्लास होता है, जो कि अपने आप को, अपना स्टेटस सिंबल को बढ़ाना चाहता है। वो लोग मेन कंज्यूमर्स होते हैं उनके, जो अमीर है नहीं लेकिन दिखना चाहते हैं, इसलिए सेविंग उविंग करके किसी भी तरह या फिर EMI करके ले लेते हैं चीजों को। इनको मेन टारगेट करती है कंपनीज। अमीर लोग लेते हैं वो ठीक है, लेकिन ज्यादा क्रेज मिडिल क्लास लोगों में होता है और इनका अच्छा खासा रेवेन्यू मिडिल क्लास से ही आता है। इन लग्जरी कंपनीज की रियलिटी ये है, क्योंकि एक मिडिल क्लास को अगर अरमानी का वॉच मिल जाए तो उसका जो खुशी होगा वो सातवां आसमान पे होता है। सब ब्रेन केमिकल्स का खेल है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि एक समय पर एलोन मस्क जो है उनका वेल्थ $340 बिलियन था, जो कि पूरे धरती के इतिहास में किसी एक इंसान के पास पैसा का अगर मेजरमेंट करें तो वो हाईएस्ट $340 बिलियन था। लेकिन अभी अगर आप इनका नेटवर्थ चेक करोगे तो वो आएगा आधा, $150 बिलियन। तो इतने हजारों करोड़ रुपए वो कहाँ खो दिए। एक्चुअल में टेस्ला के शेयर्स बहुत ज्यादा गिर चुके हैं और यही वो रीजन है उनके डाउनफॉल का। जब से वो ट्विटर को परचेज किए हैं और बहुत सारे अजीब अनाउंसमेंट्स किए हैं कंपनी के बारे में, तो वो इतना लूज कर गए और पूरे ह्यूमन इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा को लूज करने वाले अभी, अजीब बात है लेकिन, एलोन मस्क ही है। लार्जेस्ट लॉस ऑफ पर्सनल फॉर्च्यून इन हिस्ट्री वो इन्हीं का है, $200 बिलियन का लॉस, मतलब 14,000 करोड़ ये लूज किए हैं, लार्जेस्ट इन हिस्ट्री, लार्जेस्ट पर्सनल वेल्थ लूज करने के मामले में। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि इन्फिनिटी सिंबल जो है ये इसका अलग अलग ओरिजिन स्टोरी है, लेकिन मेन जो माना जाता है वो स्नेक का है। अगर स्नेक को खाना ना मिले और वो अपना पूंछ को ही, रिसल कैसा लग रहा बोलने में, वो अपना पूंछ को ही खाने लगे स्नेक, तो इससे क्या होगा कि वो अपने आप को खाएगा और इधर से बड़ा होगा। जो अपना पूंछ खाएगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा उसी से, और फिर ग्रो हो जाएगा। ऐसा तो प्रैक्टिकली नहीं होता है, बट ये अजम्पशन लो, और ऐसा अगर हो रहा है कि अपने ही को खा रहा है और अपने ही बड़ा हो रहा है, तो ये साइकिल चलते रह रहा है इनफिनिट टाइम्स तक। और ऐसी ये सिंबल है, ये इसी को डिपिक्ट करता है। तो इसका ओरिजिन स्टोरी जो है वो सांप से रिलेटेड है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको ये पता है कि अपने ब्लूटूथ को ऑन रखना महा बेवकूफी है। एक्चुअली में हैकिंग वैकिंग तो कितना बढ़ते जा रहा है आपको पता ही है, तो एक नए टेक्निकल टर्म को सुन लो, ब्लू बगिंग। आपका ब्लूटूथ अगर ऑन है और अगर आप गलती से एक्सेप्ट करके अगर कनेक्ट करा दिए किसी भी डिवाइस को अपने मोबाइल से, तो ब्लू बगिंग के थ्रू वो आपका डेटा एक्सेस कर पाएगा अजीब अजीब कोड्स के जरिए। तो जब काम आपका हो जाता है ब्लूटूथ का, तो अपने मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑफ ही रख देना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, जब ब्लैक होल्स और बाकी चीजों की डिस्कवरी की बात आती है, तो हम आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग इन लोगों की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में सुना है? स्टीफन हॉकिंग ने अपने किताब ब्रीफ आंसर्स टू द बिगेस्ट क्वेश्चन, इस किताब में चंद्रशेखर का जिक्र किया है कि इन्हीं के थ्योरी के चलते ये बाकी चीजों को भी पता कर पाए। ये है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और इनका भी जो फील्ड ऑफ वर्क है वो एस्ट्रोफिजिक्स में ही था, और ये सीवी रमन के नेफ्यू थे। फैक्ट नंबर 1, इंदौर में एक चौराहा है जो कि फेमस है रोबोट के लिए। इस चौराहे में जो पुलिस का काम है वो रोबोट करती है, वो सिग्नल देती है गाड़ियों को कि कब जाना और कब रुकना है। ये पहला ऐसा कोई सिस्टम है कि चौराहे पे रोबोट एक्चुअल में वर्क कर रहा है सिग्नल को मैनेज करने का, और ये इंदौर में पहली बार हो पाया है, इंदौर के चंद्रनगर में। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और भी बहुत सारे वीडियोस आपके स्क्रीन पे है, आप इन्हें भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।